जी अस्सलाम वालेकुम। हम क्लास का स्टार्ट करते हैं जी। आज हमने एमसीक्यूज करने हैं। क्वेश्चन नंबर 68 अगर देखा जाए तो कहता है जी, व्हाट इज द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द इन्वेंट्री ऑफ द कंपोनेंट। होल्डिंग कॉस्ट हमने फाइंड करनी है। आपको याद होगा कि हमने होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला पढ़ा था, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन नंबर 68 है। होल्डिंग कॉस्ट ऑफ वन यूनिट पर एनम इनटू एवरेज इन्वेंट्री। अब इस डेटा में से हम फिगर्स देखते हैं कि क्या है। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजेस 28,000 components at an even rate during the year. Each order placed with the supplier of the component is for 1500 components. यानी हम जब भी खरीदते हैं हम हमेशा 1500 components खरीदते हैं. Which is the economic order quantity? और यही EOQ है. The company holds a buffer inventory of 700 components. The annual cost of holding is 3. अब हमें पता है कि annual cost of holding जो है वो 3 आ गई एक यूनिट की। अब एवरेज इन्वेंट्री होता है ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 प्लस बफर स्टॉक। ये फार्मूला हमने कई दफा पहले भी पढ़ा हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लेना। 3 इंटू ऑर्डर साइज इज 1500 डिवाइडेड बाय 2 प्लस बफर स्टॉक। तो इसको सॉल्व कर लें। 3 इंटू 1450, 750 प्लस 700 तो 1450 आ गया। इसका जो आंसर होगा वो आपका बफर स्टॉक का आंसर है 3150 या 2250। जी बच्चों आंसर ज्यादा ना भेजा करें। तो ये आंसर आ गया जी। तो ये जी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट हमने फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 68 को हमने सॉल्व कर लिया। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है। अब मसला ये है कि मुझे तीन चार तरह के आंसर आ गए हैं। अब जिन्होंने आंसर गलत दिया बजाय इसके कि फार्मूला भी लिखा हुआ है हर चीज़ दी है, उन्होंने आंसर गलत इसलिए दिया कि उनको कैलकुलेटर चलाना नहीं आता। तो बच्चों पास होने के लिए सिर्फ ये नहीं है कि आपको चीज़ आती ना हो। आप देखें आपको हर चीज़ आती है, हर चीज़ लिखी हुई है। मैंने आपसे आंसर पूछा तो आपने मुझे दो तीन आंसर भेज दिए जबकि सही आंसर ये था। तो जिन्होंने गलत आंसर भेजे हैं उनको अपने आप का एनालिसिस करना चाहिए कि अब माशाल्लाह आप सब के सब कम से कम इंटरमीडिएट को क्वालिफाई करके आए हुए हैं तो कैलकुलेटर चलाना नहीं आ रहा। तो इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल प्लीज आप सीख ले, वरना आप बजाय सब कुछ आने के कैलकुलेटर गलत इस्तेमाल करके आप फेल हो जाएंगे। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल जो है वो ठीक करें। ओके क्वेश्चन नंबर 69। The following represents the material transactions for the company for the month of December. अच्छा जी material की कुछ transactions दी हुई हैं, purchases हैं, issue to production है, material return off है, return to store, return to supplier. The material inventory at 1st December was opening पे इतनी थी. What is the closing inventory? तो आपको याद होगा मैंने आपको एक ledger सिखाया था material का,
तो अगर आपको वो मटेरियल के लेजर का फॉर्मेट आता है, डेबिट और क्रेडिट साइड दो साइड्स होती हैं, आपको पता है कि ओपनिंग बैलेंस इस तरफ आना होता है, जो आप परचेजेस करते हैं वो यहाँ आती हैं, जो परचेजेस रिटर्न हो जाती हैं वो इस तरफ जाएंगी, जो इशूड टू प्रोडक्शन है वो क्रेडिट साइड पे होता है, और जो रिटर्न टू स्टोर होता है वो इस तरफ आना होता है। ये हमने उस दिन पढ़ा था। तो क्लोजिंग बैलेंस इधर आना होता है। अब हम देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस उसने दिया हुआ है 15,000 का। हमने खरीदारी की है 176,000 की। इशू टू प्रोडक्शन हुआ है 165,000। मटेरियल रिटर्न ऑफ, तो जो राइट ऑफ होता है वो भी इस तरफ आएगा, राइट ऑफ इज 4,000। रिटर्न टू स्टोर इज 9,000। रिटर्न टू सप्लायर 8,000। अब आप इस लेजर का टोटल करें, डेबिट साइड का टोटल क्या आया, डेबिट साइड का टोटल बताइए। डेबिट साइड का टोटल 2,00,000 है, तो इसका मतलब है कि क्रेडिट साइड का टोटल भी 2,00,000 होगा। अब हमें पता है कि जो बड़ी साइड होती है वही लेजर का टोटल होता है, तो 2,00,000 डेबिट साइड पे आया, तो 2,00,000 ही क्रेडिट पे होना चाहिए। अब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकालें कि कितना बैलेंस डाला जाए कि ये लेजर बैलेंस हो जाए। आई थिंक 31,000 आंसर मैं देख लेता हूँ जी, कितना बैलेंस इसमें लिखा जाए कि ये लेजर बैलेंस हो जाएगा। ट्वेंटी 3,000। ओके, क्या 23,000 ऑप्शन में है? यस, दिस इज द सी ऑप्शन। तो ये जी, अगर आपको लेजर बनाना आता था, सारी चीजें दी हुई थी, और मैंने उस दिन बताया भी था कि कोई एक चीज मिस कर देता है तो लेजर से एमसीक्यूज इस तरह आएगा, तो अगर आपको फॉर्मेट याद था तो फिर कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। A store ledger account will be updated from a goods received note only. आपको याद होगा जब मैंने आपको ये बताया था कि स्टोर लेजर कार्ड किससे अपडेट होता है, तो मैंने बताया था एक गुड्स रिसीव्ड नोट से और एक रिटर्न नोट से। तो यहाँ पे उसने कहा है सिर्फ और सिर्फ गुड्स रिसीव्ड नोट से अपडेट होता है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई पहले वाली। A store requisition will only detail the type of the product required by a customer. अब देखें यहाँ पे भी कहता है कि store requisition सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि हमें क्या चाहिए। आपको याद होगा कि store requisition ये भी बताता है कि कितना चाहिए, तो ये restrict कर रहा है only का word कि ये सिर्फ और सिर्फ वो बताता है कि मुझे क्या चाहिए, जबकि ये भी बताता है कि मुझे कितना चाहिए। तो इट मीन्स अगेन ये ओनली के वर्ड की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गई। द टर्म लीड टाइम इज बेस्ट यूज टू डिस्क्राइब द टाइम बिटवीन रिसीविंग एन ऑर्डर एंड पेइंग फॉर इट। अब देखें यहाँ पे भी उसने कितना ट्रिक खेला है कि लीड टाइम की डेफिनेशन को आधी सही लिखा कि टाइम बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड पेइंग फॉर इट, तो ये पेइंग फॉर इट नहीं होता, इसका लीड टाइम की डेफिनेशन ये है कि ऑर्डर कब किया था, द टाइम बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग ऑफ गुड्स, तो ये कहता है पेइंग फॉर इट यानी पेमेंट नहीं है, तो अगेन ये डेफिनेशन भी गलत हो गई। तो इट मींस ए की ऑप्शन बची है वो करेक्ट है। अब वो हम देखते हैं क्या वो वाकई करेक्ट है भी या नहीं, उसे पढ़ लेते हैं। टू मेक एन इशू फ्रॉम स्टोर ऑथोराइजेशन शुड बी रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही है, जब भी हमने इशू करना है तो हमें ऑथोराइज आनी चाहिए रिक्वायजिशन, तो ऑथराइजेशन होनी चाहिए। ऑथराइजेशन का मतलब क्या होता है, साइन एंड स्टैंप किए हो उस डॉक्यूमेंट को, तो ये स्टेटमेंट डी इज द राइट आंसर।
व्हाट इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ परपेचुअल इन्वेंट्री। परपेचुअल इन्वेंट्री की कहता है करेक्ट डिस्क्रिप्शन क्या होती है। तो आप फौरन जब सवाल पढ़े आपने उसकी ऑप्शंस पढ़ने नहीं लग जाना, आपने अपने माइंड को जरा डबल क्लिक करना है कि यार ये परपेचुअल इन्वेंट्री होता क्या था। तो जब आपने सोचा तो आपको पता चला कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम इन्वेंट्री को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। द काउंटिंग एंड द वैल्यूइंग ऑफ द सिलेक्टेड आइटम्स ऑन अ रोटेटिंग बेसिस। रोटेटिंग का मतलब होता है कि किसी फिक्स्ड टाइम के बाद द रिकॉर्डिंग एज दे अकर द रिसीट ऑफ इश्यूज एंड रिजल्टिंग बैलेंस ऑफ द इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री। कहता है जैसे ही कुछ आता है वैसे लिख लेते हैं। द रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेंट्री दैट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। कहता है उस इन्वेंट्री को लिखते हैं जो हर रोज चेंज हो, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। द काउंटिंग एंड द वैल्यूइंग ऑफ इन्वेंट्री ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो अब हमने इसका बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपके ख्याल में क्यों कौन सा आंसर है मुझे जरा भेजिएगा। आपके ख्याल में क्या आंसर आता है। जी शाबाश, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि ये बिल्कुल डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है। द रिकॉर्डिंग एज द अकर ऑफ, यानी जैसे ही होता है किसकी, रिसीट्स की, इश्यूज की, और बैलेंस भी उसी वक्त निकाल लेते हैं। कल हम स्टोर लेजर कार्ड बना रहे थे ना, जैसे ही कुछ आता था हम उसे लिख लेते थे और बैलेंस फाइंड कर लेते थे। जैसे ही हम कुछ इशू करते थे हम उसे लिखते थे, डेट वाइज उसी दिन लिख लेते थे और बैलेंस भी फाइंड कर लेते थे। तो ये बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाकी उसने थोड़ा थोड़ा घुमाया हुआ है हर ऑप्शन में। कुछ लोगों ने डी कहा है, तो डी कहता है द काउंटिंग एंड द वैल्यूइंग इन्वेंट्री ऑन अ रेगुलर बेसिस। देखें उसने ब्रैकेट में मेंशन भी कर दिया कि हफ्ते के बाद। तो जब हमने टाइम पीरियड स्पेसिफाई कर दिया तो ये पीरियोडिक हो गया। अब उसने कंफ्यूजन क्या क्रिएट किया, रेगुलर का वर्ड भी लिख दिया है और साथ में टाइम भी लिख दिया है। तो कहता है मैं रूटीन में हर हफ्ते चेक करूंगा। तो जब आप रूटीन में हर हफ्ते चेक करेंगे तो ये पीरियोडिक हो जाएगा। तो डी आंसर नहीं है, बी इज द राइट आंसर। जी इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले लें। ओके क्वेश्चन नंबर 72। व्हाट वुड बी द डबल एंट्री फॉर इशू ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल इशू हुआ तो आपको याद होगा मैंने एंट्री उसकी लिखवाई थी फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट और मटेरियल अकाउंट क्रेडिट। अब ये एंट्री कहीं मौजूद है, देखें जरा एबीसीडी में कोई ये एंट्री मौजूद है। अगर है तो मुझे ऑप्शन बस भेज दें कि कौन सी ऑप्शन है। जी शाबाश, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट और मटेरियल अकाउंट क्रेडिट, इसके अलावा कोई एंट्री इस एंट्री से मैच नहीं हो रही। सो द राइट आंसर इज द बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73 को जरा ध्यान से देखिएगा। Which of the following documents would be completed in each situation? Material return to store from production department. Production department ने material वापस भेजा store को। तो आपको याद है कि ये कौन सा note होता था? Goods returned note। तो ये option है। जब भी हमने चीजें वापस भेजनी है production department ने store को, तो goods returned note होता। फॉर कम्प्लीटेड फॉर्म कम्प्लीटेड बाय स्टोर डिपार्टमेंट डिटेलिंग इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट। अब ये सेकंड क्या है, कहता है एक ऐसा फॉर्म है जो कम्प्लीट किया जाता है, स्टोर वाला बनाता है इसे। इसमें के अंदर क्या होता है, डिटेलिंग इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट, मुझे क्या चाहिए। तो वो परचेज रेक्विजिशन होती है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो स्टोर डिपार्टमेंट बनाए कि मुझे ये चाहिए, तो वो परचेज रेक्विजिशन होती है। मटीरियल रिटर्न टू सप्लायर, अब मटेरियल हमने
वापिस किया सप्लायर को, तो वो फिर जो है वो गुड्स रिसीव्ड नोट के अंदर रिसीट्स भी होती हैं और जो हम वापस करते हैं वो उसकी डिटेल भी होती है गुड्स रिसीव्ड में। फॉर्म कंप्लीटेड बाय स्टोर ऑन रिसीट ऑफ गुड्स, तो जब चीजें आती हैं तो तब भी हम गुड्स रिसीव्ड नोट बनाते हैं। फॉर्म कंप्लीटेड बाय प्रोडक्शन डिटेलिंग इन्वेंटरी रिक्वायरमेंट, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाएगा कि मुझे मटीरियल चाहिए, तो वो मटीरियल रिक्विजिशन होता है। जी ओके हो गया। तो ये उसने डेफिनेशन ही पूछी थी कि कौन कौन सी चीज जो है वो हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंप्लीटेड बाय अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिक्वायरिंग न्यू मटेरियल्स टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सप्लायर। कहते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कौन सी चीज बनानी है कि जब उसने नया मटेरियल खरीदना है किससे, सप्लायर से। तो क्या ख्याल है, परचेज ऑर्डर बनाता है, डिलीवरी नोट बनाता है, गुड्स रिसीव्ड नोट बनाता है, या गुड रिक्विजिशन नोट बनाता है। जी मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ, गेस करें। शाबाश, सी ऑप्शन, वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि देखें जब आपने नया मटेरियल खरीदना है तो रिक्विजिशन चाहिए, तो रिक्विजिशन जो है अगर स्टोर बनाएगा तो वो परचेज रिक्विजिशन होती है, प्रोडक्शन वाला बनाएगा तो वो मटेरियल रिक्विजिशन है। तो इसलिए ये रिक्विजिशन नोट जो है वो एक ही जगह लिखा हुआ है, वो ये है। परचेज ऑर्डर का तो मतलब होता है कि इतना खरीदना है, डिलीवरी नोट होता है जब चीजें आती हैं, गुड्स रिसीव नोट तब होता है जब चीजें रिसीव होती है, तब हमने लिखना होता है कितना रिसीव हुआ। तो यहाँ एक ही ऑप्शन बचती है, सी ऑप्शन। द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द ट्रांजैक्शन ऑन द मटेरियल अकाउंट फॉर अ कंपनी फॉर द मंथ ऑफ मार्च, इशू टू प्रोडक्शन, रिटर्न टू स्टोर। मटेरियल इन्वेंटरी एट ओपनिंग 23,000, क्लोजिंग इतना, व्हाट इज द मटेरियल परचेज्ड। अब देखिए अगेन टी अकाउंट का सवाल आ गया, ओपनिंग बैलेंस 23,000, क्लोजिंग बैलेंस इज 15,000, जोन सी चीज जहां आनी है मैं लिखता जा रहा हूँ। परचेजेस फाइंड करनी है इस सवाल में, वो दी नहीं हुई। इशू टू प्रोडक्शन, तो ये जो इशू टू प्रोडक्शन होता है वो क्रेडिट साइड पे आता है 144। इसी तरह रिटर्न टू स्टोर, तो स्टोर को जो वापस आया वो इस तरफ आ गया जी 5,000। तो सारी चीजें हमने लिख ली हैं, 144 भी, 5000 भी, ओपनिंग क्लोजिंग भी। तो इसको टैली कर लेते हैं, इसका सम कितना बन जाएगा, 159,000। तो ये भी 159,000 होना चाहिए। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितनी आती है, आंसर बताइएगा। जी शाबाश, 131। तो ये 131,000 जो है ये आंसर आ गया जी। यहाँ पे आप 131 लिख देंगे कि हमने 131,000 की परचेजेस की है। जी इस पेज का स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले लें। Which of the following procedures are carried out to minimize losses from inventory? कहता है क्या किया जाए कि losses कम से कम हो। Use of standard cost for purchase, restricted access to store, regular stock taking। हम चाहते हैं कि हमारी inventory जाया ना हो, तो एक काम तो ये करें कि regular basis पे checking हो,
रेगुलर स्टॉक टेकिंग, स्टॉक टेकिंग का मतलब बताया था कि जाके चीजों को देखें, और रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू स्टोर कि हर कोई स्टोर में ना जाए, तो इट मींस ये बी ऑप्शन बनेगी जी। अच्छा, पहली स्टेटमेंट जो है, जो स्टेटमेंट वन है, मैंने उसे क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो कहता है जी स्टैंडर्ड कॉस्ट को यूज करें। स्टैंडर्ड कॉस्ट को यूज करना कोई गारंटी नहीं है कि चीजें नहीं चोरी होंगी। तो चीजें जो लॉसेस हैं वो इन्हीं दो से अकाउंट फॉर होते हैं। जो कॉस्ट का यूजेज है वो तो सिर्फ एक आइडिया देता है कि चीज कितने रुपए की खरीदनी है। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब है कि आपने जब भी कुछ खरीदना है तो वो कितने का होना चाहिए, तो वो एक स्टैंडर्ड रेट है। तो स्टैंडर्ड रेट जो है वो लॉस को कम नहीं करेगा। तो स्टेटमेंट वन जो है वो इररेलेवेंट है, इसीलिए हमने ऑल ऑफ द देम नहीं किया, हमने बी ऑप्शन को सिलेक्ट किया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 77। ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, सेल्स की है इतनी, परचेजेस हुई इतनी, सेल्स परचेजेस सेल्स, ठीक है। द पीरियोडिक वेटेड एवरेज फॉर द मंथ इज कैलकुलेटेड एज, अब पीरियोडिक वेटेड एवरेज है, परपेचुअल नहीं है। जब भी पीरियोडिक वेटेड एवरेज होगा हमेशा लिखेगा सवाल के अंदर, याद रखिएगा कि एमसीक्यूज या कोई भी क्वेश्चन हो, जब भी कभी पीरियोडिक वेटेड एवरेज रिक्वायर हुआ ना तो वो मेंशन करेगा सवाल में। अगर वो जस्ट वेटेड एवरेज का वर्ड लिखे तो इट मींस है कि वो परपेचुअल है, वो पीरियोडिक नहीं है। पीरियोडिक का क्वेश्चन जब भी होगा लिखा जाएगा। द पीरियोडिक वेटेड एवरेज फॉर द मंथ इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज, ये उसने उसका फॉर्मूला भी दे दिया, लेकिन ये फॉर्मूला हमें आता है, कल मैंने आपको सिखाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज हायर देन द फाइफो इंस्टेड ऑफ द पीरियोडिक वेटेड एवरेज। अच्छा, इसमें हमने हायर और लोअर को देखना है, तो इट मींस हमें पहले इसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से सॉल्व कर लेना चाहिए और फिर पीरियोडिक वेटेड एवरेज की तरफ जाना चाहिए। अब पीरियोडिक वेटेड एवरेज का जरा मुझे रेट तो कैलकुलेट करके बताएं कि पीरियोडिक वेटेड एवरेज अगर मैं यूज करूं तो क्या रेट आएगा। मैं वेट कर रहा हूं जी, रेट कैलकुलेट कर दें पीरियोडिक वेटेड एवरेज का, ये आपको डाटा दिया हुआ है। अच्छा, मुझे अभी तक आंसर नहीं आया, इसका मतलब है कि मुझे आपको सॉल्व करा देना चाहिए। कल हमने ये पढ़ा था कि जब भी हमने पीरियोडिक वेटेड एवरेज रेट लेना है तो हम एक फार्मूला यूज करते थे, ओपनिंग की कॉस्ट। ओपनिंग की कॉस्ट कितनी बनेगी, 100 इंटू 2.52, तो ये बन जाएगा 252, तो ये ओपनिंग की कॉस्ट होगी। प्लस परचेजेस 140 इंटू 2.56, ये मुझे लिखवाइएगा 140 इंटू 2.56
ओपनिंग के यूनिट्स थे 100, 140 और 200. जी ये रेट आ गया जी, पीरियोडिक वेटेड एवरेज का ये रेट आ गया. अब अगर हमें रेट पता चल गया है तो अब हमारा काम काफी आसान हो गया. हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्लोजिंग यूनिट्स कितने हैं. क्लोजिंग यूनिट्स इक्वल होंगे ओपनिंग यूनिट्स के प्लस परचेजेस के माइनस सेल्स के. अब डाटा से देखते हैं क्या क्या चीजें दी हुई हैं. ओपनिंग दिया हुआ है 100, आपने खरीदे हैं 340. 340 कैसे बने, 140 एक दफा खरीदे, 200 एक दफा, तो 340 की खरीदारी हुई. सोल्ड, हमने बेचे कितने, तो ये देखें ये भी सेल्स हैं, ये भी सेल्स हैं और ये भी सेल्स हैं. तो हमने 180 प्लस 20 200 हो गया और प्लस 90 सेल किए. तो यहां से हमारे क्लोजिंग यूनिट्स पता चल गए. क्लोजिंग यूनिट्स कितने बनेंगे, ये 440 माइनस 290, 150 यूनिट्स. अब अगर हम पीरियोडिक वेटेड एवरेज यूज कर रहे होंगे तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या होगी. क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू इक्वल होता है क्लोजिंग यूनिट्स इनटू पर यूनिट रेट. अब पीरियोडिक वेटेड एवरेज में रेट इज 2.6509 इनटू 150, तो ये वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी निकल आया पीरियोडिक वेटेड एवरेज में. तो ये बना जी 397.635. तो ये वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी आ गई पीरियोडिक वेटेड एवरेज में. अब उसने हमसे पूछा जो है ना, उसने हमसे ये नहीं पूछा कि पीरियोडिक में वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी होगी कितनी. उसने हमसे ये पूछा है आई थिंक डिसकनेक्शन की वजह से ना वो स्क्रीनशॉट स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गई थी, तो मेरी शायद आवाज आपको आती रही है, स्क्रीन नहीं नजर आई. स्क्रीन तो ये मौजूद है, आप बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं रिपीट भी कर दूंगा. हमने यहाँ पे सबसे पहले पीरियोडिक वेटेड एवरेज रेट कैलकुलेट किया है. पीरियोडिक वेटेड एवरेज रेट कैलकुलेट करने के बाद हमने वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री फाइंड की है एबको में. तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री का फार्मूला होता है क्लोजिंग यूनिट्स इनटू पर यूनिट रेट. तो रेट हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे, यूनिट्स हमने फाइंड किए, मल्टीप्लाई किया. अब जब हमने रिक्वायरमेंट देखी, ऑप्शंस देखी, तो वो कंपैरिजन कर रहा है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट के साथ कितना डिफरेंस होगा. जब भी हमें डिफरेंस फाइंड करना है तो हमारे पास वो दोनों चीजें होनी चाहिए. मसलन अगर मुझे डिफरेंस लेना है एवको का और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का,
तो मेरे पास दोनों आंसर होने चाहिए, एवको का आंसर भी होना चाहिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का आंसर भी होना चाहिए। इसी तरह अगर मुझे लाइफो से कंपेयर करना है तो मेरे पास एवको का आंसर होना चाहिए, लाइफो का आंसर भी होना चाहिए। तो ये मैंने एवको का तो आंसर निकाल लिया, पीरियोडिक वेटेड एवरेज का क्लोजिंग स्टॉक का आंसर निकाल लिया। अब मुझे क्लोजिंग स्टॉक चाहिए अंडर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो क्लोजिंग की वैल्यू अब मुझे चाहिए अंडर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब एक तरीका तो है स्टोर लेजर कार्ड बना लो, स्टोर लेजर कार्ड में ओपनिंग लिखें, परचेजेस लिखें, बैलेंस निकालें तो आंसर आ जाएगा। तो वो तो टाइम कंजम्पशन है लेकिन आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम चाहें तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट होगा, अब जरा आपने ध्यान से स्क्रीन पे देखना है और मेरी बात सुननी है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में रूल ये होता है, जो पहले आता है पहले उसे बेचते हैं। इसका मतलब है ये जो 100 यूनिट पड़े हुए थे ना मेरे पास, इसमें से 20 चले गए तो बाकी बच गए मेरे पास 80। फिर मैंने 140 और खरीदे, तो इसका मतलब है जब मैंने 90 बेचने हैं तो पहले 80 वो जाएंगे जो पहले से पड़े हुए थे। तो इस 140 में से 10 चले गए, 130 पड़े रहे। फिर मैंने 200 और खरीदे। अब जब मैंने 200 और खरीदे तो मेरे पास बैलेंस में 130 वो हो गए जो इस रेट पे खरीदे हुए थे और 200 वो हो गए जो इस रेट पे खरीदे हुए थे। अब मैंने दोबारा 180 यूनिट बेचने हैं, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के रूल के मुताबिक 130 जो पड़े थे ये वाले रेट के, ये पहले सेल होंगे और बाकी के 50 इसमें से जाएंगे। तो पता ये चला कि जो क्लोजिंग में 150 यूनिट बचा हुआ है वो इस रेट वाला है। देखिए मैंने स्टोर लेजर कार्ड बनाया ही नहीं, मैंने जुबानी जुबानी देख लिया है कि मेरे पास 100 यूनिट पड़े थे, मैंने 20 बेच दिए तो 80 रह गए। फिर मैंने 140 खरीदे तो 81 पड़े हैं, 141 पड़े होंगे। 90 मैंने बेचने हैं तो 80 पहले वो बिकेंगे जो पहले के आए हुए हैं। तो इट मींस आपके 80 यूनिट वो सेल हो गए तो 140 में से भी 10 चले गए, 130 बच गए। तो 130 बच गए 2.56 वाले, और 200 मैंने मजीद खरीदे। अब मैंने उसके बाद 180 बेचे, तो इसका मतलब है 130 वो चले गए पुराने और 50 इन नए में से। तो जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बनी, क्लोजिंग वैल्यू, तो वो इक्वल होगी क्लोजिंग यूनिट्स इनटू पर यूनिट रेट। अब क्लोजिंग यूनिट्स कितना है, 150, और आखिर पे जो खरीदे थे 200 उस पे रेट लगा था 2.78 का, इनटू 2.78। तो क्लोजिंग की वैल्यू कितनी बन गई, मल्टीप्लाइड बाय 2.78, 417। अब देखें आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू इधर कितनी आई थी, इधर कितनी आई, तो डिफरेंस कितना हुआ, 417 माइनस 397। पॉइंट्स को अगर राउंड करना है तो कर लेते, नहीं तो ऐसे भी लिख लें। तो कितना डिफरेंस आ गया, 19.365। तो ये डिफरेंस आ गया जी दोनों इन्वेंट्रीज का। अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट ए कहता है क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 19.5 हायर व्हेन यूजिंग फाइफो इंस्टेड ऑफ पीरियोडिक वेटेड। तो ऐसा ही है, मेरा तो ख्याल है ऐसा ही है कि फाइफो में इन्वेंट्री बड़ी है। कितना बड़ी है, इस रकम के बराबर। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन मैं अगले भी पढ़ लेता हूं। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 19.5 लोअर देन फाइफो इंस्टेड ऑफ द पीरियोडिक वेटेड एवरेज। कहते हैं फाइफो में छोटी होगी, नहीं जी ये बड़ी है, ये बी ऑप्शन तो गलत है।
क्लोजिंग इन्वेंट्री 17.5 हायर व्हेन, नहीं ये भी फाइफो में, तो ये गलत है, सी ऑप्शन भी गलत हो गया. क्लोजिंग इन्वेंट्री 17.5 लोअर, नहीं ये गलत है, ए आंसर जो है वो राइट आंसर है. तो देखिए हमने किया क्या, हमें उसने दोनों मेथड्स में इन्वेंट्री का डिफरेंस पूछा था. सवाल थोड़ा सा टेक्निकल है, उसने हमें इन्वेंट्री में डिफरेंस पूछा था दो मेथड्स में, एक फाइफो में एक पीरियोडिक वेटेड एवरेज में. तो हमें पता है कि वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री जो है वो इक्वल होती है कि कितने यूनिट्स थे पर यूनिट रेट क्या है. तो फाइफो में तो हमने जुबानी कैलकुलेशन कर ली, ये आ गई वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री. एवको में भी हमने कॉन्सेप्ट वही यूज किया, लेकिन मसला ये था कि पर यूनिट रेट नहीं दिया था, तो हमने पहले ये पर यूनिट रेट कैलकुलेट किया ये वाला. तो ये पर यूनिट रेट आया, उसे नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया. दोनों आंसर्स का डिफरेंस लिया तो जो आंसर मोस्ट सूटेबल था उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर दिया. तो ये जी इस तरीके से करना है आपने. क्वेश्चन नंबर 78. इन द ईयर एंडेड 31st अगस्त 20x4 एक रिकॉर्ड शोइंग द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ 1000 यूनिट्स Compared to the 950 units of opening inventory, यानी closing में इतने units थे और opening में इतने units थे. Which of the following statement is true, assuming that prices have fallen? Prices जो हैं वो कम हुई हैं. तो इस सूरत में क्या होगा? कहता है क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड प्रॉफिट्स आर हायर यूजिंग फाइफो देन एबको. अब ये वही बात है जो कल मैंने आपको सिखाई थी, तो मैं उसको आज यहां पे लिख देता हूं. हमने तीन चीजें देखनी होती हैं, प्रॉफिट, क्लोजिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल्स. और तीन ही मेथड होते हैं हमारे पास, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एबको और लाइफो. अब कल जब मैंने आपको लिखवाया था तो मैंने इन्फ्लेशन वाला सिनेरियो लिखवाया था. अब प्राइसेस कम हो रही हैं तो मैं डीफ्लेशन के हिसाब से देखूंगा. प्राइसेस कम हो रही हैं तो अब मैंने इस सिनेरियो में लिखना है. प्राइसेस कम होने का मतलब है कि जब भी आप खरीदेंगे सस्ता खरीदेंगे. तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में पहले वो सेल होगा जो महंगा खरीदा था. क्यों? क्योंकि अब हर आने वाली परचेज सस्ती है. प्राइसेस हैज फॉलन, गिर रही है प्राइसेस. तो इसका मतलब है जो सबसे पहले खरीदा होगा ना वो सबसे महंगा होगा. तो इस सूरत में कॉस्ट ऑफ सेल हायर होगी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में. तो जब कॉस्ट ऑफ सेल हायर होगी तो इन्वेंट्री लोअर होगी, और इसी तरह जब कॉस्ट हायर होगी तो प्रॉफिट लोअर होगा. तो अगर आपने एक चीज ढूंढ ली है अब दूसरी चीजें ढूंढना मसला ही कोई नहीं है. अगर आपने कॉस्ट ऑफ सेल हायर कही तो लास्ट इन फर्स्ट आउट में ये लोअर होगी, ये लोअर था तो ये हायर होगा और ये हायर होगा. तो अगर आपने पेपर में बैठे हुए रफ वर्किंग में ये चीजें बना ली तो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता. अब इसको सामने रख लें और आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं तो मुझे राइट ऑप्शन बता दें कि क्या बनेगी. ये डीफ्लेशन में मैंने बनाया है, इन्फ्लेशन में नहीं. अगर आप इसको कंपेयर करने बैठ गए कल के लेक्चर के साथ तो ये उल्टा है उससे. कल हमने इन्फ्लेशन वाले सिनेरियो में बनाई थी यही चीजें, और आज मैंने प्राइसेस जब कम हो रही हैं उस सूरत में बनाया है. तो कल वाले के साथ कंपेयर नहीं करना कि कल तो सर ने ऐसे कराया था आज इस तरह करा दिया है. तो आज सिनेरियो डिफरेंट है जी. अब देखें ये आपके सामने बना बना लिया हमने, और अब आप मैच करें कि कौन सा आंसर राइट आंसर है.
जी मैं आंसर देख रहा हूं। सी और बी दो ऑप्शन आ रहे हैं, मैं पढ़ देता हूं। बी कहता है क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड प्रॉफिट आर लोअर यूजिंग फाइफो देन एवको। जी फाइफो में देखें प्रॉफिट और क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों लोअर है, क्योंकि आपको पता है ये हाई फिगर है, फिर उससे छोटी ये होगी, फिर सबसे छोटी फिगर ये होगी, तो ये बी ऑप्शन तो ठीक लग रही है। अब सी को देख लेते हैं, जिन लोगों ने सी कहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री इज हायर एंड द प्रॉफिट इज लोअर। अच्छा सी जो है ये किसी सूरत में नहीं बन रहा था। अगर आप कल वाला ग्राफ देखें और आज वाला देखें, ग्राफ कह रहा हूं टेबल, अगर आप कल वाला टेबल देखें और आज वाला टेबल देखें, हमेशा इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री और प्रॉफिट एक जैसे होंगे, यानी अगर इन्वेंट्री लोअर है तो प्रॉफिट भी लोअर है, इन्वेंट्री हायर है तो प्रॉफिट भी हायर है। तो ये जो सी ऑप्शन है ना ये किसी सूरत नहीं बनती, ये ऑपोजिट लिखा हुआ है। इन क्लोजिंग इन्वेंट्री और प्रॉफिट हमेशा सेम डायरेक्शन में होते हैं, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री लोअर होगी तो प्रॉफिट भी लोअर होगा, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री हायर होगी तो प्रॉफिट भी हायर होगा। इसका मतलब है दो ऑप्शन तो वैसे ही निकल जाएंगी इस सवाल में, जिसमें उसने इन्वेंट्री और प्रॉफिट को ऑपोजिट कर दिया वो गलत है। तो एक तो उसने कहा कि क्लोजिंग इन्वेंट्री इज हायर प्रॉफिट इज लोअर, तो ये तो गलत हो गया, लॉजिकली गलत है। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज लोअर एंड प्रॉफिट इज हायर, ये भी लॉजिकली गलत है। अब बची सिर्फ दो ऑप्शंस, तो उसमें से हमने राइट ऑप्शन चूज कर ली। तो आपका मेन जो ट्रिक था वो ये टेबल बनाना था, आपने तीन चीजें देखनी होती हैं और मेथड्स के हिसाब से उसे सोच लेना है, और सिनेरियो याद रखना है कि इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है। तो जो लोग रट्टा लगा लेते हैं इन्फ्लेशन वाले को, पेपर में एग्जामिनर सवाल देता है डिफ्लेशन वाले को, तो वो सवाल गलत कर बैठते हैं। जी इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ओके क्वेश्चन नंबर 79। इन्वेंट्री परचेजेस सेल्स परचेजेस सेल्स, ओपनिंग इन्वेंट्री इतनी थी, सिक्स आइटम्स थी एट द रेट 15 ईच, व्हाट वुड बी द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर यूजिंग द वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। अब ये कौन सा वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड है, पीरियोडिक या परपेचुअल? आपको मैंने बताया कि जब भी पीरियोडिक होगा क्वेश्चन के अंदर पीरियोडिक का वर्ड लिखेगा, तो अगर उसने पीरियोडिक का वर्ड नहीं लिखा तो इट मींस ये परपेचुअल है। तो आपने पहले स्टोर लेजर कार्ड बनाना है, स्टोर लेजर कार्ड जैसे कल बनाया था, डेट का कॉलम आ जाएगा, परचेजेस का कॉलम आ जाएगा, फिर सेल का कॉलम आ जाएगा, फिर बैलेंस आ जाएगा, और फिर इनको फर्दर तीन तीन कॉलम में डिवाइड कर देना। और यूनिट्स पर यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट बना लेंगे। यहां जो आंसर आएंगे इनका जो टोटल होगा वो होगा जी कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी सेल की जो कॉस्ट है जो आपने निकाला स्टोर लेजर कार्ड बना के, ये कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। अब उसने हमसे पूछा है ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। अब कॉस्ट ऑफ सेल आपने ये वाली फिगर यहां लिख देनी है, रेवेन्यू क्या होगा, रेवेन्यू ये है जी 10 यूनिट बेचे एट द रेट ऑफ 30, तो ये बना 300। इसी तरह 5 यूनिट बेचे एट द रेट ऑफ 30, तो रेवेन्यू होगा 450। तो रेवेन्यू की जगह पे आप लिखेंगे 450 माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, तो ये जो आंसर आएगा इसको जीपी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपने खुद करना है जी कंप्लीट।
ये कल मैंने आपको एवको का पूरा स्टोर लेजर कार्ड बनवाया था, आप स्टोर लेजर कार्ड बनाएं, कॉस्ट ऑफ सेल का जो आंसर आए उसे यहाँ पे पुट करें, और रेवेन्यू, आपको पता है कि रेवेन्यू किसको कहते हैं, सेल्स से आने वाले पैसे को, तो सेल्स आपने की है 10 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 30 और 5 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 30। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी कि ये जो 30 है ये इनकी प्राइस है। मैंने एक सवाल भी कराया था जिसमें प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 80, योर फर्म वैल्यू द इन्वेंट्री यूजिंग वेटेड एवरेज कॉस्टिंग एट 1 अक्टूबर 2008 देयर वाज 60 यूनिट्स इन्वेंट्री वैल्यूड एट 12 ईच। अच्छा, ये भी अगेन स्टोर लेजर कार्ड बनाना है वेटेड एवरेज में, तो ये भी आपने खुद से करना है। 79 70 सॉरी 80, ये आप खुद करेंगे। अगर नहीं होगा तो फिर जब आप मेरे से पूछेंगे मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, इनके सॉल्यूशन ये मैं कहाँ से आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है ये कैपलान की किट के क्वेश्चन है। आपको ये ऑलरेडी मटेरियल मिला हुआ है, कैपलान की किट, ये उसके क्वेश्चंस हैं और इसके आखिर में सॉल्यूशन मौजूद होते हैं, तो इसलिए इसको करने के बाद सॉल्यूशन से टैली कर लीजिएगा। तो अगर कोई मसला हो, ना समझ आए, तो फिर आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, 81 इन्वेंट्री है 1 जुलाई को 15 यूनिट्स की, और 3 जुलाई को इतने यूनिट्स हैं, 8 को इतने हैं, 12 को इतने हैं। व्हाट वुड बी द क्लोजिंग इन्वेंट्री यूजिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो इसको जुबानी भी किया जा सकता है, क्लोजिंग ही बताना है सिर्फ। देखें, ओपनिंग में 15 थे जो हमने इस रेट पे खरीदे थे, उनमें से हमने 5 बेच दिए, तो इसका मतलब है बैलेंस क्या बचा, 10। 15 थे, 5 चले गए, तो 10 बच गए। फिर मैंने 10 और खरीदे, ये 10 बचे हैं जी 3 वाले, और फिर मैंने 10 और खरीद लिए 3.5 वाले, और फिर उसके बाद मैंने 8 बेचे, तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो इसका मतलब है कि वो बच गए, वो इसमें से गए होंगे, तो जो बैलेंस बचा वो 2 यूनिट बच गए 3 रुपए वाले, और 10 यूनिट बच गए 3.5 वाले, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 2 × 3 = 35, तो इनका टोटल क्या हो जाएगा, 41, ये आंसर आ गया। तो देखें, पूरा लेजर कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है, हमने क्या किया, हमने जुबानी जुबानी कैलकुलेशन कर ली। तो मैंने कहा था ना, एक वक्त आएगा आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आप लेजर कार्ड बनाएंगे ही नहीं, तो वो वक्त बस अनकरीब आप पे आने वाला है। 15 यूनिट थे, 5 आपने बेच दिए, तो 10 बच गए आपके पास, फिर आपने 10 और खरीदे, फिर आपने 8 बेचे, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज कर रहे हैं, तो जाहिर बात है वो 3 वाले जाएंगे, तो उनमें से 2 बच गए और 10 ये वाले वैसे ही पड़े हैं, तो 41 आंसर आ गया। ये 81 का सोल्यूशन भी फौरन ही हो गया। इन द टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस, ये सिचुएशन क्या है कि जब प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो दोबारा बनाना है अगर तो मैं बना देता हूं, कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट और क्लोजिंग, 3 चीजें हमने देखनी होती हैं, और मेथड 3 है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एवको और लास्ट इन फर्स्ट आउट। और हम सिनेरियो कौन सा बनाने लगे हैं, इन्फ्लेशन वाला। इन्फ्लेशन क्या होता है कि हर दफा हमें महंगी चीज मिलेगी, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में कॉस्ट ऑफ सेल लोअर हो जाएगी और लास्ट इन फर्स्ट आउट में हायर हो जाएगी। वजह क्या है कि अब चीजें महंगी मिल रही हैं, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में पहले किसे बेचेंगे, जो सस्ती खरीदी थी, तो कॉस्ट ऑफ सेल लो ये हाई। और मैंने बताया था कि अगर एक चीज बन गई है तो अब बाकी कॉलम तो बनाने जो है वो मसला ही कोई नहीं है। अगर कॉस्ट ऑफ सेल लो है तो प्रॉफिट क्या होगा, हायर होगा, और अगर कॉस्ट ऑफ सेल लोअर है तो ये क्या होगा, हायर होगा, और ये हायर था तो ये दोनों चीजें क्या होंगी, लोअर होंगी। अब इसको सामने रखते हुए आप देखें कि कौन सी ऑप्शन राइट ऑप्शन बन रही है। जी, क्या करना है,
वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री यूजिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड एज अपोज टू एवको, यानी हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को और एवको को कंपेयर करना है, लाइफो के साथ कंपेयर नहीं करना, हमने सिर्फ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को एवको से कंपेयर करना है। तो देखिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में कॉस्ट ऑफ सेल लोअर होगी, तो इसका मतलब है या ए ऑप्शन बन सकता है या बी ऑप्शन बन सकता है, सी और डी तो आउट हो गए। अच्छा अब ये सी और डी तो आउट हो गए, और देखें प्रॉफिट और इन्वेंट्री अगर अपोजिट है तो ये ऑप्शन भी गलत होता है, तो ए ऑप्शन ही बचा कि कॉस्ट ऑफ सेल लोअर होगी, प्रॉफिट हायर होगा और इन्वेंट्री भी हायर होगी। तो ये देखें ये पहली ऑप्शन बन रही है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को जब एवको से कंपेयर करेंगे तो ये आंसर बनेगा। जी आपके आंसर देख लेता हूँ, आपने भी मेरा ख्याल है मेजोरिटी ने ए ही बताया। जी ठीक है ए है। जी इस पेज का अगर स्क्रीनशॉट लेने तो ले लें। अब ये 83 अ कंपनी डिटरमिन्स इट्स ऑर्डर क्वांटिटी फॉर अ कंपोनेंट यूजिंग ईओक्यू, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द ईओक्यू एट द एंड द टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द एनुअल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग वन यूनिट ऑफ द कंपोनेंट। अब देखें ईओक्यू का जो फार्मूला है ना वो होता है 2COD डिवाइडेड बाय CH अंडर स्क्वायर रूट। अब वो कहता है कि अगर होल्डिंग कॉस्ट में फर्क पड़ जाए, इजाफा हो जाए, एन इंक्रीज, ये जो फिगर है ये इंक्रीज हो जाए, तो जब बेस में आंसर बड़ा लिखेंगे तो ईओक्यू छोटी हो जाएगी। जब ये सीएच अगर पहले 5 थी बाद में इसे 8 कर दें, बाकी दोनों चीजें वही रहे, सीओ भी वही रहे, डिमांड भी वही रहे, तो इसका इंपैक्ट आएगा ईओक्यू विल लोअर, EOQ का आंसर छोटा हो जाएगा। अच्छा अगर EOQ का आंसर छोटा हुआ तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फार्मूला होता है एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय EOQ यानी ऑर्डर साइज। तो जब EOQ छोटी हुई तो ये वाली बेस छोटी हुई, तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ ऑर्डर्स हाई हुए। जब नंबर ऑफ ऑर्डर्स हाई हुए तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ गई, तो इट मींस ए ऑप्शन बनेगा कि इसकी वजह से ईओक्यू लोअर हो जाएगी और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो हायर हो जाएगी। मैं रिपीट कर देता हूं इस सवाल को। इस सवाल में उसने कहा कि अगर एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ वन यूनिट जो है वो बढ़ जाए तो सीएच इंक्रीज करने से ईओक्यू का आंसर छोटा हो जाएगा। जब ईओक्यू का आंसर छोटा हुआ तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे, ये हमें पता है कि एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज करते हैं, तो यहां से नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ेंगे। जब नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ेंगे तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये आंसर आया ईओक्यू विल बी लोअर एंड टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी हायर। अ कंपनी यूजेस ईओक्यू मॉडल टू एस्टैब्लिश द रीऑर्डर क्वांटिटीज। The following information relates to the forthcoming period: ordering cost, holding cost, annual demand, purchase price (EOQ). No safety inventory is held. What is the total annual cost of inventory? Total purchase cost बतानी है, total ordering cost और total holding cost। तो ये हमने सवाल बहुत दफा किए हुए हैं ऐसे। Annual purchasing cost जो है, वो हमारी कैसे निकलती है? जी वालेकुम सलाम। टाइम हो गया सर, थैंक यू। जी मुझे ये सवाल कंप्लीट कर लेने दें। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, परचेजिंग प्राइस इज 40 इनटू एनुअल डिमांड 20,000, तो इसका आंसर निकाल लें। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट पर ऑर्डर इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स। कॉस्ट पर ऑर्डर इन दिस क्वेश्चन इज 25, नंबर ऑफ ऑर्डर इज एनुअल डिमांड
डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, ऑर्डर साइज इज 500 ईओक्यू, तो यहां से आप इसका आंसर भी निकाल लें. देन एनुअल होल्डिंग, उसके लिए हमें चाहिए होता है सी एच इंटू एवरेज इन्वेंट्री. उसने लिखा हुआ है होल्डिंग कॉस्ट इज 10% ऑफ परचेज प्राइस, तो परचेज प्राइस कितनी थी 40, तो 40 का 10% लेना है आपने, इंटू एवरेज इन्वेंट्री. ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 प्लस बफर स्टॉक, तो बफर स्टॉक है नहीं तो इसको सॉल्व कर लेना है. अब इसको इसको और इसको टोटल कर लें तो ये जो आंसर आएगा वो आपका ये आंसर होगा. ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 84 का ये आंसर आ जाएगा. इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें. मैं आप लोगों की एक क्लास रखूंगा होपफुली फ्राइडे को, वो मैं खुद से अरेंज करूंगा अपने होस्ट से, जैसे मैंने पहले एक दफा क्लास अरेंज की थी. तो मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा गूगल क्लास में भी, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी मैं आज भेज दूंगा. तो फ्राइडे को इंशाल्लाह हम एक क्लास रखेंगे, होपफुली हम सेकंड हाफ में रखेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ बच्चों की फर्स्ट हाफ में क्लासेस होती हैं, तो हो सकता है हम अफ्तारी के बाद रखें फ्राइडे वाले दिन. मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको MCQs कंप्लीट करा दूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट वीक है वो ईद की वजह से ऑफ हो जाएंगी, कुछ क्लासेस हो सकते हैं तीनों ऑफ हो जाएं, वो बता देंगे आपको ईद की वजह से जो ऑफ हो रहा है. तो मैं ये चाहता हूँ कि आपकी ब्रेक ना आए, आपके MCQs कंप्लीट हो जाएं. तो मैं आपको कल इंशाल्लाह इसका लिंक गूगल क्लास में और व्हाट्सएप पे आपके साथ शेयर कर दूंगा. फ्राइडे को हम इसकी क्लास रखेंगे, तो आपने वो वाली क्लास मिस नहीं करनी, हमने इसके MCQs कंप्लीट करने हैं. और फिर जब हम ईद के बाद आएंगे इंशाल्लाह, तब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तो अगर ब्रेक आ गई तो आप सब लोगों को भूल जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उस क्लास को ज़रूर अटेंड करें. तो आपने पहले भी जिस तरह अटेंड की थी, ऑलमोस्ट 80 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्लास को भी अटेंड करेंगे जो मैं फ्राइडे को रखूँगा. वो मैं खुद से अरेंज करूँगा और उसका लिंक मैं आपको भेज दूँगा. ठीक है जी, आज के लिए फिर इतना ही. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.